जी हाँ गाइज आज मैं बात करने वाली हूं आपको मेन मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्योंकि एग्जाम आपका नियर ही है इसी वजह से मैंने ये टॉपिक लाया है कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आप क्या जान सकते हैं और इनफैक्ट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले हे गाइज दिस मुस्कान वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ना उसमें मैंने लिखा है डॉक्टर फोर्स्टर्स ये किनके द्वारा लिखा गया आपके एग्जाम में आएगा रॉट डॉक्टर डॉक्टर फोस्टर्स फोस्टर्स किसने लिखा तो आपका राइट आंसर होगा मार्लोवे मार्लोवे ने डॉक्टर फोस्टर्स लिखा नेक्स्ट है सनस एंड लवर्स ये किसने लिखा ये लिखा है डीएस लॉरेंस ने डीएस लॉरेंस ने ये लिखे हैं वेदरिंग हाइट्स ये इमली ब्रॉट ने लिखे हैं लूसी ग्रे विलियम वर्सवर्थ यहाँ मैंने लिखा है वर्सवर्थ तो विलियम वर्सवर्थ इनका फुल फॉर्म होता है

जी के द्वारा लिखा गया द गाइड आर के नारायण ईमा जैन ऑस्टर्न ईएम फॉस्टर स्प्रिंग राइम जीएम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको याद करने होंगे नेक्स्ट है अलिसेस जेम्स जोई टाइगर विलियम ब्लैक और मैं एक बात बता दूं कि आपको ज्यादा मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका वेडिंग हाइस सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेडिंग हाइस क्या है नॉवेल है स्टोरी है या ऐसे है तो आपका राइट आंसर होगा नॉवेल है पर किस टाइप्स का नॉवेल है रोमांटिक नॉवल है या फिर गौथिक नॉवल है या फिर नेचर नॉवल है तो आपका राइट आंसर होगा गौथिक नॉवल है वेडिंग हाइस क्या है गौथिक नॉवल है फिर अगर अगर आपका क्वेश्चन अगेन रिपीट होता है तो वो इस तरह से होगा कि वेडिंग हाइस किन के द्वारा लिखा गया है तो इमली ब्रॉन्ट के द्वारा वेडिंग हाइस लिखा गया है नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू बी एट्स आयरिस पोएट अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि पोएट ने लिखा है इट मीन की राइटर है जो कि आयरिश पोएट है ये कैसे पोएट आयरिश पोएट मोस्ट इम्पोर्टेंट इनफैक्ट ऑल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट द स्पेनिश ट्रेजरी द स्पेनिश ट्रेजरी किन के द्वारा लिखा गया है थॉमस किड के द्वारा लिखा गया है द स्नेक डी एस लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ हियर राइट आउट वर्ड्स वर्ड दैट मीन्स विलियम वर्ड्स मेजर फोर मेजर शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर नेक्स्ट है द जूस ऑफ मल्टा मार्लोबे के द्वारा लिखा गया है मॉकी डक हरमन मेलविल के द्वारा लिखा गया है क्योंकि आपका एग्जाम नियर है इसी वजह से मैंने इस सारे को चूज किया आप एक बार रिमेंबर कर लेंगे पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मैंने इसे इसलिए कलेक्ट किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसी वजह से मैं हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं हूँ कि इसी में ही सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं और किस टाइप्स के पूछेंगे पर ईयर एक दो क्वेश्चन मैचिंग होता है हर बार का कोई सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है तो वी कैन ऑल्सो गेस नॉट बी कन्फर्म आई होप कि आप इतना कंप्लीट uh, uh, कर लेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल